सिर्फ तीन कुर्सियां वाले दफ्तर तो धीरूभाई अंबानी ने देश की सब तो वड्डी कंपनी रिलायंस की नींह रखी। भावें उन्होंने कोल पैसा नहीं सी, पर धीरूभाई अंबानी दे कोल व्यापारक सूझ सी ते नाल ही वह मिट्टी तो भी पैसा कमाउण दी चाल नू जानदे सी। अज रिलायंस दा व्यापारक एम्पायर पेट्रोकैमिकल तो लैके टेलीकॉम, रिटेल, ग्रीन एनर्जी अते होर कई खेतरां तक फैलिया होया। धीरूभाई अंबानी का पेट्रोल पंप उत्ते काम करन तो लैके कारोबार दे विच कदम रखण अते वड्डा कारोबारी एम्पायर बनाउण तक का सफर बेहद फिल्मी रहा, ते किहो जिहा फिल्मी सफर रहा ओ जानदे आ। जदों धीरूभाई अंबानी ने कारोबार की दुनिया दे विच कदम रखिया तां उन्हां कोल ना तो पुश्तैनी जायदाद सी अते ना ही बैंक बैलेंस, पर अपनी मेहनत अते लगन दे बलबूते उन्हां अजिहा मुकाम हासिल कीता जिसकी मिसाल घट ही दुनिया दे विच देखण नूं मिलदी है। देश की सब तो वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का कारोबार अज कई खेतरां दे विच फैलिया होया है। धीरूभाई अंबानी इस कंपनी के संस्थापक सन। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए धीरूभाई अंबानी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी है। धीरूभाई अंबानी का पेट्रोल पंप उत्ते काम करन तो लैके कारोबार दे विच कदम रखण अते वड्डा कारोबारी एम्पायर बनाउण तक का सफर फिल्मी रहा है। आओ तुहानू दसदे हाँ कि किवें धीरूभाई अंबानी ने अपना कारोबार शुरू किया अते वड्डी सफलता हासिल की। धीरूभाई अंबानी का जन्म गुजरात के एक दूर दुराड़े पिंड विच एक गरीब परिवार दे विच होया सी। उना दे पिता एक अध्यापक सन। उना दे परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं सी, जिस कारण घर दे विच फाइनैंशियल मदद करन दे लई दसवीं तक की पढ़ाई करन तो बाद तो ही वह छोटे मोटे काम करने उन्होंने शुरू कर दिते जिस तो पैसे कमाए जा सकन। वह गिरनार दियां पहाड़ियां नेड़े पकौड़े भी बेचते सी, पर शुरुआती ये कमाई उन्होंने काफ़ी नहीं सी। धीरूभाई अंबानी 17 साल की उम्र के पैसे कमाउण के लिए अपने भरा रमणीक लाल कोल यमन चले गए। अडेन के एक गैस स्टेशन उत्ते नौकरी करन लगे। उन्होंने पहली तनखाह 300 रुपये सी। धीरूभाई अंबानी के काम तो प्रभावित होकर कंपनी ने उन्होंने मैनेजर बना दिता। इस दौरान धीरूभाई ने जिथे सख्त मेहनत की, दूजे पासे उन्होंने व्यापारक भेद भी सीखे अते कुछ साल उत्थे काम करन तो बाद उस सुपना लेके साल 1954 दे विच भारत वापस आ गए। पेट्रोल पंप उत्ते ही काम करदिया धीरूभाई अंबानी ने कुछ वड्डा करन दा सोच लिया सी। इस तो ठीक 5 साल बाद यानी 1954 धीरूभाई अंबानी भारत दे विच आ गए। भारत आने तो बाद कुछ दिन तक धीरूभाई घर दे विच ही रहे, फिर अचानक 500 रुपये लैके मुंबई दे लई रवाना हो गए। मुंबई दे विच जाके उन्होंने हर मार्केट का दौरा किया, समझिया कि लोगों को किस चीज़ की लोड़ है। फिर धीरूभाई नूं समझ आ गई कि भारत दे विच लोकां नूं पेट्रोल अते विदेश दे विच भारत दे मसालियां दी लोड़ है। उन्हां दा सुपना टैक्सटाइल कंपनी खोलण दा सी। बाजारां दे विच घूमण तो बाद उन्हां ने इसे सैक्टर दे विच काम करना शुरू कर दिता। मई 1973 नूं धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कॉमर्स कारपोरेशन के नाम के नाल बिजनेस की शुरुआत की थी। इस दे राही भारत के मसाले विदेशों दे विच ते विदेशों तो पोलिस्टर भारत दे विच वेचिया जाण लग्या। धीरूभाई की मार्केटिंग प्रतिभा ने उन्होंने पोलिस्टर प्रिंस बना दिता। एक बार जदों कारोबार वध गया फिर धीरूभाई अंबानी ने कभी भी पिछे मुड़ के नहीं देखा। इस तो बाद धीरूभाई ने तेल, प्लास्टिक अते बिजली उद्योगों दे विच अपनियां शाखावां दा विस्थार कीता। कुछ ही समय बाद रिलायंस एक वड्डे ग्रुप दे विच तब्दील हो गया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 350 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਸੀ ਤਿੰਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਨ ਦੋ ਸਾਥੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ मीडिया रिपोर्टा मुताबिक उन्होंने मौत तक रिलायंस 62,000 करोड़ रुपए की कंपनी बना चुकी थी 6 जुलाई 2002 नूं दी मौत हो गई। धीरूभाई अंबानी के जाने तो बाद उनका सारा कारोबार उन्होंने दो पुत्रां मुकेश और अनिल अंबानी ने संभाल लिया हालांकि बाद दे विच दोहां भरावां दे विच झगड़े के कारण जायदाद की वंड करनी पई जिस कंपनी नूं उन्हां दे पिता धीरूभाई अंबानी ने अपने खून पसीने दे नाल बनाया सी उस नूं हुण उन्हां दे पुत्र मुकेश अंबानी ने सिखर ते पहुंचा दिता है। दुनिया दीआं वड्डीआं कंपनियां ने रिलायंस दे जियो प्लेटफॉर्म उत्ते निवेश कीता है। मुकेश अंबानी अज भारत अते एशिया दे सब तो अमीर व्यक्ति हन। ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਅਨੀਅਰਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।